वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम व्हेन अ रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड इज कनेक्टेड टू इट। यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट, जो कि है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। ये है प्राइमरी साइड पे पैरामीटर्स, ये है सेकेंडरी साइड के पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में है V1 प्राइमरी साइड का सप्लाई वोल्टेज, I1 प्राइमरी वाइंडिंग करंट, R1 और X1 जो है प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये सर्किट रिप्रेजेंट करती है नो लोड कंडीशन को। E1 जो है प्राइमरी वाइंडिंग सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, E2 जो है सेकेंडरी वाइंडिंग इंड्यूस्ड EMF, Phi जो है फ्लक्स इन द कोर, R2 और X2 है सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, और V2 सेकेंडरी वाइंडिंग टर्मिनल वोल्टेज। अब ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम। इसे मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। तो स्टेप 1 जिसमें हम ड्रॉ करेंगे Phi, I0, E1 और E2। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं ट्रांसफार्मर को नो लोड कंडीशन में। यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग टर्मिनल ओपन रहेगा और प्राइमरी साइड सप्लाई वोल्टेज है V1। नो लोड कंडीशन में प्राइमरी वाइंडिंग ड्रॉ करता है नो लोड करंट I0, जिसका एक कंपोनेंट है IE जो फीड करता है कोर लॉस को। अब कोर लॉस है एडी करंट लॉस प्लस हिस्टीसिस लॉस। ये I0 का एक्टिव कंपोनेंट या एनर्जी कंपोनेंट है, और IM जो है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट I0 का। ये प्रोड्यूस करता है फ्लक्स फाई को। अब क्योंकि फाई अल्टरनेटिंग फ्लक्स है और वो लिंकेज हो रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, तो अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्राइमरी वाइंडिंग में प्रोड्यूस होगा सेल्फ इंड्यूस्ड EMF E1, और इसे हम बैक EMF भी कह सकते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रोड्यूस होगा EMF E2। यहाँ पे हम 3 सर्किट देख सकते हैं, प्राइमरी साइड इलेक्ट्रिक सर्किट, कोर में मैग्नेटिक सर्किट और सेकेंडरी साइड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम फ्लक्स फाई को एज अ रेफरेंस ले रहे हैं, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है फाई का फेजर एक्स एक्सिस पे, और फाई इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। अब IM जो है मैग्नेटाइजिंग करंट, वो फ्लक्स फाई को प्रोड्यूस कर रहा है, और इसलिए फाई और IM के फेजर का डायरेक्शन सेम रहेगा। इसलिए मैंने IM को फ्लक्स की डायरेक्शन में ड्रॉ किया है। अब IE जो है एक्टिव कंपोनेंट, तो वो लीड करेगा IM को 90 डिग्री से। तो ये ड्रॉ किया है मैंने IE, और IM प्लस IE फेजर समेशन हमें मिलता है I0। अब E1 हमें मिलता है अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और वो है E1 इक्वल टू -N1 dt ऑफ फाई। फाई की वैल्यू पिट अप करके हमें जनरलाइज इक्वेशन मिलता है N1 ओमेगा इंटू फाई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी -π/2। अब सेम वे E2 हमें मिलेगा N2 ओमेगा इंटू फाई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी -π/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं E1 और E2 दोनों फ्लक्स को 90 डिग्री से लेग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने E2 और E1 ड्रॉ किए हैं लेगिंग फाई बाय 90 डिग्री। यहाँ पे E1 के फेजर का लेंथ कम है क्योंकि ये एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो E2 ज़्यादा रहेगा। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में हम ड्रॉ करेंगे I2, I1 प्राइम और I1। अब हम कंसीडर करते हैं ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल पे एक रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड कनेक्ट किया है। तो ये लोड ड्रॉ करेगा I2 करंट, और जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग में I2 करंट फ्लो होता है, उससे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जिसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ मेन फ्लक्स फाई के ऑपोजिट रहेगी। तो अब कोर में फ्लक्स फाई की वैल्यू कुछ कम होगी। फाई की वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू पे री एस्टाब्लिश करने के लिए अब प्राइमरी वाइंडिंग I1 प्राइम करंट ड्रॉ करेगा। प्राइमरी वाइंडिंग कैसे I1 प्राइम करंट ड्रॉ करता है, ये हम आखिर में देखेंगे। अब जो ये I1 प्राइम है, वो फ्लक्स पे I2 सेकेंडरी वाइंडिंग करंट की
इफेक्ट जो है उसको बैलेंस कर रहा है, इसलिए आई वन प्राइम को कहते हैं काउंटर बैलेंसिंग करंट, जिसकी वैल्यू है माइनस एन टू बाई एन वन इंटू आई टू। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है आई टू सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, जो ई टू से कुछ लैगिंग एंगल पे है। अब आई वन प्राइम उसका फेजर 180 डिग्री एंगल पे ड्रॉ किया है आई टू से, यानी आई टू और आई वन प्राइम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों के जो फ्लक्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब I1 प्राइम और I0 का फेजर समेशन हमें मिलता है I1 प्राइमरी वाइंडिंग करंट। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा स्टेप टू। अब स्टेप थ्री में हम ड्रॉ करेंगे V1 और V2। यहाँ पे आप देख सकते हो V1 है समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस प्राइमरी वाइंडिंग और सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का। ये सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है जो V1 के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमें इक्वेशन मिलती है V1 इक्वल टू माइनस सी वन प्लस आई वन इंटू आर वन प्लस जे एक्स वन। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है माइनस सी वन प्लस आई वन आर वन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस जो I1 की डायरेक्शन में है, और I1 X1 जो 90 डिग्री लीड डायरेक्शन में है I1 के, और तीनों का फेजर समेशन हमें मिलता है V1। अब V2 जो है सेकेंडरी वाइंडिंग टर्मिनल वोल्टेज, ये है E2 माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हमें इक्वेशन मिलता है V2 इक्वल टू E2 माइनस I2 इंटू R2 प्लस JX2। ठीक है, तो E2 में से यहाँ पे मैंने फेजर डिडक्ट किया है I2 X2 का, I2 X2 जो I2 से 90 डिग्री लीड डायरेक्शन में है, और बाद में डिडक्ट किया है I2 R2 जो I2 की डायरेक्शन में है, और फाइनली ये हमें मिलता है V2। तो ये हुआ फ्रेंड्स सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम व्हेन रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड इज कनेक्टेड। अब हम देखते हैं I1 प्राइम मीन्स काउंटर बैलेंसिंग करंट कैसे ड्रॉ होता है। सबसे पहले नो लोड कंडीशन में प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1 की वैल्यू रहेगी I0 की। अब जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लोड कनेक्ट किया है तो मेन फ्लक्स फाई की वैल्यू कम हो रही है, ये हमने देखा। तो क्योंकि माइनस ईवन जो है यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, तो फ्लक्स के साथ ईवन की वैल्यू भी कम होगी। अब इक्वेशन में आप देख सकते हो कि ईवन की वैल्यू कम होगी तो आई वन की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि बाकी के पैरामीटर्स वी वन आर वन और एक्स वन कॉन्स्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो I1 की करंट की वैल्यू जो बढ़ती है वो रहेगी I1 प्राइम के जितनी, और फाइनली हमें प्राइमरी वाइंडिंग करंट मिलता है वो है समेशन ऑफ I0 प्लस I1 प्राइम, यानी काउंटर बैलेंसिंग करंट। थैंक यू।